क्या आपको पता है कि 2020 लॉकडाउन के दौरान नेटफ्लिक्स पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो कौन सा है? और क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ पे है? और क्या होगा अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारी पृथ्वी 2 से 3 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन एंड स्वागत है आपका एजुकेटिंग फैक्ट के मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 5 के साथ। नंबर 5, तो क्या आप ये जानते हैं कि नेटफ्लिक्स पर 2020 लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर में कौन सा शो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है? तो मैं आपको बता दूँ कि मनी हेस्ट नाम का एक वेब सीरीज है जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसके अभी 65+ मिलियन व्यूअर्स हैं। नंबर 4, तो फ्रेंड्स क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि हाइप्रियन नाम का एक पेड़ है जो कि कैलिफोर्निया पाया जाता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 379.1 फीट से भी ज़्यादा है और उसकी उम्र 700 से 800 ईयर्स ओल्ड बताई जा रही है। नंबर 3, एक स्टडी में ये पाया गया है कि 50% से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स कोई भी वीडियो प्ले करने से पहले वाइट कर देते हैं। इसका कारण यह है कि जब वीडियो लोडिंग होने में 10 सेकंड से ज़्यादा लगता है, तो 50% से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स वीडियो को प्ले करने से पहले ही क्वाइट कर देते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जब रोटेट करती है जिससे हम स्टेबल रह पाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी पृथ्वी 2 से 3 सेकंड के लिए रुक जाए? तो फ्रेंड्स अगर हमारी पृथ्वी 2 से 3 सेकंड के लिए रुक जाती है तो हम ईस्ट की तरफ पर सेकेंड 465 मीटर्स थ्रू कर जाएंगे और उसी समय हमारी मौत हो जाएगी। तो क्या आपने ये फैक्ट्स को कभी सोचा था अपने दिमाग में? तो चलिए आते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1, आज के समय में रेडार के इन्वेंशन के बाद तो हम एनिमी यानी दुश्मनों को आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब रेडार के इन्वेंशन के पहले ये काम कैसे होता था? तो आप इस पिक्चर में देखिए, आप इस पिक्चर में साफ साफ देख सकते हैं कि जब रेडार नहीं बना था तब एनिमी कैसे डिटेक्ट किया जाता था। अगर आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।